नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दी हरी झंडी। ऊना रैली में गिनाए बीजेपी के काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता को बीजेपी के काम गिनाए। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बटा दोनों जजों का फैसला। अब बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा मामला। मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार। रक्षा मंत्रालय लॉन्च करेगा मां भारती के सपूत योजना। बिग बी होंगे गुडविल एम्बेसडर। भारत सरकार देश के सैनिकों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के माध्यम से आम आदमी से लेकर बड़े कॉर्पोरेट सैनिक के परिवार को आर्थिक मदद कर सकेंगे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ से 8 लाख के इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। हथियार डालने पर पुलिस ने भी दिया इनाम। बुधवार को छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने एक 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने महिला को 10,000 रुपये इनाम के रूप में दिए। इससे पहले भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हिजापुर सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें हिजापुर सुप्रीम फैसले के बीच पीएफआई पर एक बार फिर रेड पड़ी। मंगलोर के सूरतकल उल्लाल से 5 पीएफआई लोगों को हिरासत में लिया। निर्मला सीतारमण ने की जापान भूटान समेत 4 देशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरियाई वित्त मंत्री को भारत आमंत्रित किया। साथ ही भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। अगली खबर, महाराष्ट्र से 4 कंपनियों को पुलिस का नोटिस। बीमार बच्चों के फोटो दिखाए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग का आरोप। बीमार बच्चों के फोटो दिखाकर सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग का काम करने वाली 4 कंपनियों को महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस भेजा। आज हिमाचल के पास डबल इंजन सरकार की ताकत है। अगले 25 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। चंबा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल प्रदेश के पास डबल इंजन सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया। अगली खबर, गुरुग्राम से है। घर में रखे पटाखों में हुआ विस्फोट। घर की छत गिरी, 6 लोग हुए घायल। मानेसर के सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा प्रारंभिक जांच के दौरान हमने पाया कि दिवाली नजदीक है। पीड़ित बिना किसी अनुमति के पटाखे बनाने में शामिल थे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना। ठोस कचरे का निपटाना किए जाने से हुआ नाराज। एनजीटी ने कहा कि महंगी 152 एकड़ सार्वजनिक भूमि पर कचरे का ढेर लगा है। पीठ ने कहा कि 152 एकड़ जमीन की सर्किल दर पर कीमत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। गुरुग्राम में पराली जलाने पर प्रति एकड़ लगेगा 2500 रुपये जुर्माना। प्रशासन ने जारी किया आदेश। गुरुग्राम में किसानों को पराली जलाना महंगा पड़ेगा। किसानों को पराली जलाने पर 2500 रुपये प्रति एकड़ जुर्माना देना होगा। इसके लिए डीसी ने भी आदेश जारी कर दिया। कोटा में महिला पुलिसकर्मियों को मिला करवा चौथ का तोहफा। एसपी ने दिया 1 दिन का अवकाश। कोटा की महिला पुलिसकर्मियों को शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की ओर से मिली करवा चौथ की सौगात। कोटा शहर के सभी थाने और अन्य विभागों की महिला पुलिसकर्मियों को आज अवकाश दिया गया। हिजाब विवाद पर सपा सांसद बर्क का विवादित बयान। कहा बेपर्दा रहने पर बढ़ती है आवारगी। समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर विवादित बयान दिया। अगली खबर, मुंबई से मिनरल वाटर के नाम पर बिक रहा था खराब पानी। दिवाली से पहले BIS ने की फ्रेंचाइजी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट कस्टम को मिली बड़ी कामयाबी। 1 दिन में 8 करोड़ से अधिक कीमत का सोना और विदेशी करेंसी को किया जब्त। एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के भीतर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से करोड़ों रुपए के सोने बरामद किए गए। ऊना में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा पहले जो दिल्ली में बैठे लोग थे वे हिमाचल को कभी समझ ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। वंदे भारत की तर्ज पर ही भारतीय रेल शुरू करेगा हाई स्पीड मालगाड़ियां। सामानों की होगी सुपर फास्ट डिलीवरी। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को ऊना स्टेशन से रवाना किया। हैदराबाद पुलिस ने किया चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश। 2 विदेशी नागरिक समेत 10 गिरफ्तार। ऐसा हुआ 903 करोड़ रुपए का फ्रॉड। हैदराबाद पुलिस ने चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चीन और ताइवान के 2 नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।